के बाद स्वागत है और वक्त हो चुका है हल्का हलचल में। और हल्का हलचल में बात करेंगे कि जो सावन का महीना चल रहा है उसमें लेकर कांवड़िए जिस तरह से अपनी यात्रा को कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किस तरह की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और किस तरह से सुविधाएं प्रशासन और पुलिस जो है वो कांवड़ियों को देती हुई नजर आ रही है, और आगे की सुविधाएं और तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता परमजीत जो है वो जिनसे जुड़ चुके हैं। परमजीत जी, अगर बात की जाए तमाम सुविधाओं को लेकर जो कांवड़ का दौर चल रहा है, जो सावन का महीना चल रहा है, कैसी जायजा आपने लिया और किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए शिवरात्रि को लेकर जो है आज मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ, तो आज शिवरात्रि को लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से जगह जगह जो है शिविर लगाए गए ताकि कांवड़ियों को जो है जो भंडारी लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियों को खाना मिल सके और दवाइयां भी जो है उपलब्ध हो सके, तो तमाम तरीके हालांकि पुलिस द्वारा नाके भी लगाए गए किसी प्रकार के कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। मंदिर के पुजारी है उनसे बात है, पुजारी लेकर बढ़िया तैयारी की गई है। कल कांवरियों के लिए दूध और फल की व्यवस्था की गई। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की और सबके जीवन में खुशियां लाए शिवरात्रि। भगवान शिव परम पिता परमात्मा पूरे संसार के पिता है। पुजारी जी, व्यवस्था की बात की जाए जैसे जब कांवड़ी आएंगे तो यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई? कांवरियों के लिए दूध की व्यवस्था की गई है और फल की व्यवस्था की गई उनके लिए प्रत्येक कांवरियों को, और बैठने की सुविधाएं की गई। बिल्कुल, देखिए फल की सुविधा की गई है, जब भी कांवड़े जब कांवड़ लेके आएंगे आज वो रात के 12 बजे को हो जाएगी कि 12 बजे कांवड़ चढ़ाएंगे और जल चढ़ाएंगे, तो देखिए तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। पुजारी जी ने हमारे को बताया कि दूध फल जो भी खाने पीने की चीजें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो कांवड़ियों को यहाँ पे मिलेगी। और आज का जो सावन का सोमवार है वो वैसे जो है भद्रचत मंदिर में आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और अपनी शिव शंकर से मर्याद जो है मांग रहे हैं। बिल्कुल परमजीत जी, अगर बात की जाए सावन को लेकर जिस तरह से कांवड़ियों की जो 2 साल के बाद एक बड़े पैमाने पर भीड़ दिखाई दे रही है, क्या आपको लग रहा है कोविड के बाद जो ये सावन का महीना चल रहा है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से और मंदिरों की खासकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह की तैयारियां होती है नजर आई है? कांवड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, 2 साल बाद जो है इतनी भीड़ उमड़ी है। हालांकि कोविड काल से जो है सभी जगह बंद, क्योंकि जब कोरोना काल चला हुआ था तो सब कुछ बंद था, लेकिन अब कांवड़ियों में काफी जोश देखने को, 2 साल के बाद जगह जगह जो है पूरा स्वागत भी किया जा रहा है। और आज मंत्री के शाम को आएंगे उनका फूल माला खाने पीने की जो व्यवस्था है तमाम तरह की जो मूल सुविधा है वो उनको दी जाएगी और पुलिस की तरफ से जो है क्या कहना चाहेंगे आप जो कांवड़िए है वो कांवड़ लेके आएंगे उनको कैसे? जैसे कि हमारे बिल्कुल, देखिए जो भगत जी नंबर ये कहना है उनकी यात्रा जो है मंगल में और सफल रहे और तमाम तरह की जो तैयारियां है वो मंदिर रखी पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल परमजीत जी, आपके पास आएंगे। जगजीत भी हमारे साथ कालावरी से लगातार जुड़े हुए। जगजीत, अगर बात की जाए आज के दिन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो आप धरातल पर जमीनी स्तर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आज अगर बात करूं तो मैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में मौजूद हूं। इस मंदिर की बात करें, इस मंदिर में हंड जो है जो 22 साल से लगातार चल रही है, आज चार बजे है दरबार पहुंची करती है, पूजा पाठ करते लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि सोमवार के दिन जो है महादेव जी का व्रत रखा जाता है। उसके बाद पर एक बोला रहे थी कि हर हर खबर हरियाणा के जो सचमुच की पूजा पाठ है वो किस तरीके से किया जाए इसकी जानकारी हमें विस्तार से बात की जाए। सावन की एक रखी जाए
सावन के व्रत पे बैठे पर्व आरती भी करते हैं, दूध और फल खाना चाहिए, हम देखो भी खाना चाहिए, इसे में हम कई भक्ति को नहीं रख सकते पर्व आरती को और पत्र कितना किस तरह के पत्र पहले चाहिए, किस तरह के पत्र उनको पसंद है होने का जो साथी की है इस तरह का प्रसाद है जो बोले ठीक है। आप लोगों पंडित जी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ जी को सफेद जो है पत्थर है पसंद है और अगर बात की जाए दलील और जो प्रसाद है मेरे का प्रसाद भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है मंदिरों, अगर बात की जाए भक्तों की तो भक्तों में काफी आपका जो है देखी जा रही है क्योंकि कोरोना काल के चलते तो पहले में मंदिरों पर लगी हुई थी जो हटा दी गई है, मंदिरों के खाने जो सुबह 4 बजे पहुंच दिए जाते हैं, भक्त जो है पूजा करते सुबह 4 बजे लाइन से लंबी लंबी कतारों में नजर आते हैं। भैया के बात की जाए मंदिर की कमेटी की ओर से खासकर कोरोना काल की गाइडलाइनों का पालन करने के लिए स्पेशल प्रबंध किए गए हैं, लोगों का जो सैनिटाइज किया जा रहा है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका इस तमाम जानकारी को लेकर विस्तार पूर्वक आपने जानकारी दी और परमजीत जी हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सावन का ये महीना जो है वो चल रहा है और उसको लेकर जो कावड़ यात्रा है उसको लेकर प्रशासन और मंदिरों के अंदर व्यवस्थाएं लगातार दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है और हर एक स्तर के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर के जो पुजारी है वो भी हर तरह से व्यवस्थाएं जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।